हेलो स्टूडेंट्स, स्थिर विद्युतिकी पढ़ रहे हैं हम। और स्थिर विद्युतिकी में हमने गॉस का नियम तक कंप्लीट कर लिया है, सब चीज़ समझ ली हैं, किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, गॉस का नियम कहाँ लगाते हैं, गॉसियन पृष्ठ क्या होती है, ये सब चीज़ें हम शुरू से लेकर अभी तक आवेशीय गुणधर्म और विद्युत क्षेत्र और विद्युत स्थिर विद्युत बल, ये सब चीज़ें पढ़ते हुए हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, जिसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और मुझे भी बहुत बहुत बधाई। अभी हमारा कर्तव्य ये है कि हम कुछ होमवर्क्स करें, कुछ सवालों की प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पर जो सवाल आने वाले हैं के सामने, या तो आप उनको पहले से करके रखो, और आपने अभी नहीं किया है तो अपना कॉपी पेन लेके बैठो, क्वेश्चन पढ़ो, वीडियो को पॉज करो और फिर उस क्वेश्चन को हल करो। हल करने के बाद, सॉल्व करने के बाद देखो कि मैं किस प्रकार से इसको कर रहा हूं। तो हम शुरू करते हैं इसका होमवर्क नंबर वन, और उसका पहला क्वेश्चन अभी देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आवेश के गुण दो आवेशों के बीच स्थिर विद्युत बल प्रतिकर्षण बल हो सकता है। क्या दो आवेशों के बीच जो बल हो सकता है वो प्रतिकर्षण बल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। दो तरह के बल होते हैं, आकर्षण बल भी होता है और प्रतिकर्षण बल भी होता है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा, बिल्कुल अच्छी बात है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल प्रतिकर्षण बल हो सकता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो कभी भी प्रतिकर्षण बल नहीं हो सकता, वह हमेशा ही आकर्षण बल ही होता है, हमेशा ही आकर्षण बल ही होता है। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। पहला सही है और दूसरा गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा सही मिल रहा है, जिसमें पहला ऑप्शन सत्य है और पहला जो स्टेटमेंट है वो सत्य है और दूसरा असत्य है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर एक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं। यदि एम्पियर का मान एन गुना कर दिया जाए तो एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा? अब इसको अपन कैसे करेंगे भाई, क्या कर पाएंगे इसके अंदर? इसमें बोला है कि एम्पियर का मान एन गुना कर दिया जाए तो एप्सिलॉन नॉट का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट पे चर्चा करते हैं थोड़ी सी। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? हम जानते हैं कि एफ जो है वो के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर से दिया जाता है। के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर से हमारे पास F मिलता है, हमें ये हमने कूलाम के नियम से सीखा था। यहाँ से मुझे K क्या मिल जाएगा, यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, K एफ आर स्क्वायर बटे क्यू वन क्यू टू, के एफ आर स्क्वायर बटे क्यू वन क्यू टू। ठीक है, थोड़ा सा 11th क्लास में जाओ, 11th क्लास के पहला चैप्टर में जाओ, यूनिट एंड डायमेंशन में। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसके डायमेंशन क्या, उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, इसकी विमाएँ क्या होंगी इस के की, तो आप बोलोगे इस के की विमाएँ क्या होंगी? फोर्स की विमा एम वन एल वन टी माइनस टू। ठीक है, R की विमा L2 L का स्क्वायर, और नीचे आएगा हमारे पास Q1 Q2 यानी कि Q का स्क्वायर क्या हो जाएगा? AT का स्क्वायर। Q क्या होता है? Q की विमेय सूत्र क्या होता है? Q का AT, तो ये क्या हो जाएगा? AT का स्क्वायर। यहां से हमें क्या मिल जाएगा? K की विमाएं क्या मिल जाएगी मुझे? K का विमेय सूत्र मिल जाएगा मुझे। यहां देखो M तो एक ही है, तो M1। L कितना है यहां पर? L इधर एक है और इधर एक है, और नीचे कुछ भी नहीं है, तो L3। और टी देखोगे तो टी ऊपर माइनस दो है, नीचे दो है, तो क्या हो जाएगा? टी की पावर माइनस चार। ठीक है, माइनस चार हो जाएगा, और ए बचा है नीचे, तो ए हो जाएगा माइनस टू। ये हमारे पास विमेय सूत्र आ जाएगा के का विमेय सूत्र हमारे पास आ गया। अब हम जानते हैं जो के होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाता है। ठीक है, के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। यहां से हम देख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट जो होगा वो 1/4 पाई के बराबर होगा। अभी 4 पाई का तो कोई विमाएं है नहीं, तो 4 पाई तो विमाहीन, एक विमाहीन राशि है। तो हमारे पास क्या बचेगा कि एप्सिलॉन नॉट की जो राशि, जो विमेय सूत्र आएगा वो के विमेय सूत्र का उल्टा हो जाएगा, के विमेय सूत्र का उल्टा हो जाएगा। तो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट का विमेय सूत्र क्या आने वाला है? हमारे पास आने वाला है, इसको आप उल्टा कर दो, तो एम की घात -1, एल की घात -3, टी की घात 4 और ए की घात 2। ठीक है, ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट का सूत्र आ गया है। अब मैंने क्या किया है, अब एम्पियर को एन गुना किया गया है। ठीक है, एम्पियर का मान एन गुना कर दिया गया है यहां से, तो एम्पियर का मान एन गुना कर दोगे, यानी कि ये जो ए है ये एम्पियर दर्शा रहा है ना, इसको अगर आप एन गुना कर दोगे तो एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लो, एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, नया एप्सिलॉन नॉट की डैश कर दें अगर हम, तो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन डैश को कर दें, नॉट हटाओ यहां से, तो m-1 l-3 टी की घात 4 और एन ए की घात 2। तो एप्सिलॉन डैश कितना हो जाएगा, n स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, तो जो पुराना था उसका स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। तो सी हमारा सही ऑप्शन इसके अंदर आ जाएगा, सही जवाब हमारा सी इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि 5 गेंदों को कुचालक धागों से लटकाया गया है। ठीक है, धीरे धीरे हम इसको सवाल को पढ़ेंगे और समझेंगे कि 5 गेंदों को कुचालक धागों से लटकाया गया है। ठीक है, 5 गेंदे हमने ली है, उनको लटका दिया है। गेंदों पर कई प्रयोग किए जाते हैं तथा निम्न परीक्षण अंकित करते हैं, और उन पर हम प्रयोग कर रहे हैं, हमें देखना है कि क्या क्या हो रहा है गेंदों के साथ, हम जब अलग अलग परीक्षण करते हैं तो क्या क्या हो रहा है, ये हमें दिया हुआ है। पहले में हमने क्या किया, गेंद ए
सी को प्रतिकर्षित करती है तथा बी को आकर्षित करती है। गेंद ए बी सी को प्रतिकर्षित करती है तथा बी को आकर्षित करती है। तो यहां पे आप कह सकते हो कि गेंद ए के ऊपर जो आवेश होगा, ठीक है, जो भी आवेश होगा सी को प्रतिकर्षण कर रही है तो सी के ऊपर उसका उल्टा आवेश होगा, सी के ऊपर उसका ए का उल्टा आवेश होगा और बी को आकर्षित करती है और बी को आकर्षित कर सॉरी मैं उल्टा बोल गया, सी के ऊपर जो होगा वो ए के समान होगा और बी के ऊपर जो होगा वो ए का उल्टा होगा। ठीक है, ये चीज हमें यहां से समझ में आ गई। दूसरा क्या कह रहा है कि गेंद डी जो है वो बी को आकर्षित करती है तथा ई पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि हमें बता रहा है कि ई पर कोई प्रभाव नहीं डाल रही है, तो इसका मतलब यह है कि ई जो है वो इसके ऊपर कोई आवेश है ही नहीं, वो आवेशहीन हमारे पास एक गोला है। ठीक है, तो ई को हमें पता चल गया ई जो है वो आवेशहीन है। अब डी और ई के बीच में कोई भी संबंध ना हो, मतलब किसी भी प्रकार का बल नहीं लग रहा हो, उसका मतलब यही है कि दोनों के दोनों जो मेरे पास गोले हैं वो दोनों ही कैसे होने चाहिए, दोनों ही आवेशहीन होने चाहिए। ठीक है, तो ई भी आवेशहीन है और डी भी आवेशहीन है, हमें यहां से पता चल गया है। अब बी को डी जो है बी को आकर्षित करती है तो आकर्षित तो कर सकती है। ठीक है, क्योंकि बी के ऊपर कुछ आवेश है, बी के ऊपर जो आवेश है उसकी वजह से डी जो होगा वो भी आवेशित हो जाएगा और दोनों आपस में आकर्षण करने लगेंगे, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमें पता यहां चल गया कि डी और ई जो है वो आवेशहीन हमारे पास गोले मिल गए हैं। अब तीसरा क्या कहता है, ऋणात्मक आवेशित छड़ ए तथा ई दोनों को आकर्षित करती है। ऋणात्मक आवेशित छड़ ए तथा ई, ये ऋणात्मक आवेशित छड़ के बाद एक कॉमा लगा लो आप, ऋणात्मक आवेशित छड़, एक ऋणात्मक आवेशित छड़ ली हमने, वो ए तथा ई दोनों को ही आकर्षित करती है। ई का तो हमें पता चल गया कि ई जो है ये तो इसके अंदर कोई, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, ए की बात करते हैं तो ऋणात्मक आवेशित छड़ लाते हैं, ए को आकर्षित तब करेगी जब ए के ऊपर जो चार्ज हो, जो आवेश हो, वो धनात्मक हो, यानी कि पॉजिटिव हो। तो हमें यहां से पता चल गया कि ए पॉजिटिव मिल गया, सी को प्रतिकर्षित करती है ए तो सी भी पॉजिटिव हो जाएगा, बी को आकर्षित करती है तो बी नेगेटिव हो जाएगा, और डी और ई के बारे में तो हम बात कर चुके हैं। तो ए सी पॉजिटिव, बी नेगेटिव और बाकी जीरो जीरो। तो आगे देखते हैं हमारे पास ये ऑप्शन है। ठीक है, ये क्या दे रखा है हमारे पास, ए और सी पॉजिटिव, मैंने बोला ए पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ठीक है, डी जीरो और ई भी जीरो। तो क्या हुआ, प्लस माइनस प्लस जीरो जीरो, प्लस माइनस प्लस जीरो जीरो, ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है इसके अंदर सही आंसर वही हम निकाल पाए और वही सही जवाब भी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चार आवेश क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर, ठीक है, ये 0.0.0, 1.0.0, 0.1.0 तथा 0.0.1 पर रखे हैं। यदि दिए गए आवेशों के पजी आवेश पर परिणामी विद्युत बल FI हो तो FI क्या होगा। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है ये हम देखते हैं, इसके अंदर क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसके अंदर। ये बोल रहा है कि आपके पास चार आवेश हैं और चार आवेश इस प्रकार से रखे हैं कि पहला आवेश 0.0.0 पे, दूसरा आवेश 1.0.0 पे, तीसरा आवेश 0.1.0 पे और तीसरा आवेश 0.0.1 पर रखे हुए हैं। इनमें आपको पूछा है कि यदि दिए गए आवेशों के ये है आयत आवेश, क्या आईवा आवेश, ठीक है, ये गलत टाइप हो गया है शायद, इंग्लिश टू हिंदी टाइप करने में उसका ऐसा हो गया है, पर परिणामी विद्युत बल FI हो तो समेशन FI क्या होगा, मतलब उस चार्ज पर या उस चार्ज पर कितना बल होगा ये हमको बताना है कि कुल बल कितना होगा। ठीक है, अब हम बना लेते हैं, पहले इसको किस प्रकार बना लेते हैं कि हमारे पास चार है, 0.0 पर पहला रखा है, यूट्यूब पर 1.0 पर ये रखा है, इसको बना लो इस प्रकार से, ये एक्स, ये वाई और बाहर की तरह ये हमारा जेड एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा जेड एक्सिस है, तो पहले मूल बिंदु पर कौन सा रखा है, एक कूलम का, एक माइक्रो कूलम का, फिर 1.0.0 पर रखा है 2 माइक्रो कूलम का, ठीक है, फिर 0.1.0 पर रखा है 3 माइक्रो कूलम, ये हमारा कितना है 0.1.0, और फिर उसके बाद यहां पर रखा है Z पर 0.0.1 पर 4 माइक्रो कूलम, ठीक है, 4 माइक्रो कूलम का इस प्रकार चार रखे हैं। हमने पूछा है, हमसे पूछा गया है कि इसके ऊपर अगर कोई भी एक आवेश उठा लूं तो उसके ऊपर कुल बल क्या होगा, कुल बल कितना आएगा उसके ऊपर, तो वो हमें पता करना है। तो अब पता करते हैं, अगर 1 माइक्रो कूलम का मैं चार्ज उठा लेता हूं यहाँ पे, इसकी बात अगर कर लेता हूं, या इसमें पूछा, बेसिकली इसमें पूछा गया है कि अगर मैं कोई भी सिस्टम उठा लेता हूं, जैसे कोई भी दो चार्ज का सिस्टम उठा लेता हूं, जैसे मैं 1 और 4 ले लूं, 1 और 3 ले लूं, 1 और 2 ले लूं, तो इन सिस्टम के अंदर कुल नेट फोर्स कितना आएगा, कुल बल कितना आने वाला है, ये मुझे निकालना है। तो इसमें आप देख सकते हो कि अगर मैं
किसकी बात करता हूं, किसकी बात करता हूं कि एक माइक्रोकूलम जितना चार माइक्रोकूलम पे लगा रहा होगा उतना ही चार माइक्रोकूलम एक माइक्रोकूलम पे लगा रहा होगा। ठीक है, तीन माइक्रोकूलम की बात करें तो ये भी उतना लगा रहा होगा जितना एक माइक्रोकूलम इस पे लगा रहा होगा, और दो माइक्रोकूलम और एक माइक्रोकूलम की बात करें तो इन दो ये दोनों जो बल लगा रहे होंगे वो भी बराबर होगा। बेसिकली हमें पता ये करना है कि एफ आई जे अगर मैं बोलता हूं एफ आई जे कितना होगा। ठीक है, अगर आई जो है वो 1 से शुरू होके n तक जाता है, n अगर मेरे पास चार्जेस होते हैं यहाँ पर, और j जो है वो भी j भी शुरू होके n तक जाता है, इसका मुझे समेशन करना है, इसका मुझे समेशन करना है। ठीक है, तो आप देखोगे जब मैं i को 1 रखूंगा j को 1 रखूंगा तो पहले की वजह से पहले पे कितना आवेश होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, पहले पे दूसरे की वजह से कितना आएगा, कुछ वैल्यू आ जाएगी, उतना ही वैल्यू आ जाएगी दूसरे पे पहले की वजह से, लेकिन नेगेटिव में, तो वो उसको जीरो कर देगा। तो नेट चार्ज जब हम पूरे इसका निकालेंगे तो वो जीरो के बराबर, नेट फोर्स जब निकालेंगे तो पूरे टोटल जीरो के बराबर आ जाएगा। तो यहां पर फोर्स कितना होगा मेरे पास, नेट फोर्स जो होगा वो शून्य के बराबर होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुजाकार पिरामिड चार शीर्ष एवं चार सतह के एक शीर्ष पर रखे आवेश पर स्थिर विद्युत बल के परिमाण की गणना कीजिए यदि ए भुजा के पिरामिड के चारों शीर्ष पर चार बराबर बिंदु आवेश रखे हों। ठीक है, अभी हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास एक ऐसा पिरामिड है जो कि त्रिभुजाकार में है। त्रिभुजाकार पिरामिड आप समझते हो कि उसका जो बेस होता है वो त्रिभुज के रूप में होगा। ठीक है, इसका बेस जो होगा वो त्रिभुज के रूप में होगा, और हमें पता करना है कि इसके चारों आवेश चारों कोनों पर अगर क्यू आवेश हमने रख दिए तो किसी भी एक कोने पर आपको बताना है कि कितना कुल बल होने वाला है, ये आपको पता करना है। तो अब ये सवाल थोड़ा 3D का है, और जब मैंने चर्चा की थी, पर जब पढ़ा रहा था आपको, मैंने बताया था जब 3D का सवाल आपके पास आता है तो आप उसको वेक्टर में करने की कोशिश करोगे जल्दी आपसे आसानी से हो जाएगा। तो हम कोशिश वही करेंगे इसको वेक्टर में करने की, और हम किस प्रकार से करेंगे, हम बना लेंगे हमारा x अक्ष और y अक्ष। ठीक है, x और y में हम इसको बनाने की भी कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज है, ये तो इसका बेस हो गया, ये हमारे जो हमारा पिरामिड बनने वाला है उसका बेस हो गया। क्या हमारे पास पिरामिड है शेप में, देखें हम कुछ शेप में पिरामिड है हमारे पास, पिरामिड है बिल्कुल हमारे पास, ट्रायंगुलर पिरामिड भी है हमारे पास। चलो ये देख लेते हैं हम, तो यहां पे हम ट्रायंगुलर पिरामिड बना लेते हैं, ये बन गया हमारे पास ट्रायंगुलर पिरामिड। ठीक है, ये हमारे पास ट्राइंगुलर पिरामिड बन गया है। तो अब हमें देखते हैं इसके अंदर हमें क्या करना है, तो उल्टा बना दिया, अगर मैं इसको सीधा बनाना चाहूँ तो इसको घुमा सकता हूँ, क्या मैं इसको घुमा सकता हूँ, इसको रोटेट कर सकते हैं हम, बिल्कुल रोटेट करने का ऑप्शन इसके अंदर दिया तो है, ऐसे कर लो आप इसको, और तो आप थोड़े इधर आ जाएंगे तो आप हमें दिखेंगे। ठीक है, ऐसे कर लो, चलो ये ठीक है, ये हमारे पास पिरामिड बन गया है। यहाँ पे हमने बना लिया है एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया है, और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बना लिया, इसको हम रब कर देते हैं, यहाँ पे हम लिखने की जगह पर संभाल लेंगे, चलो ठीक है। अच्छा, अब हमें देखने हैं कि क्या क्या इसके जो निर्देशांक होंगे वो क्या क्या होंगे, जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे। एक तो 0,0,0 आएगी हमारे पास, बिल्कुल अच्छे से बात है। ठीक है, इसकी भुजा दे रखी है a के बराबर इसकी भुजा दे रखी है, तो ये भुजा के अनुसार ये कितना आ जाएगा, 1,0,0। ठीक है, निर्देशांक की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ निर्देशांक निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा वाला हमें चाहिए, तो तीसरा वाला आप जानते हो कि यहां तक जो दूरी होगी वो a/2 होगी, ये जो a/2 होगी, ठीक है, ये a/2 होगी x पे, और y पे कितनी होगी, y पे होगी ये √3/2। कैसे निकालोगे आप इसको, आप जानते हो कि ये भुजा जो है a की होगी, ये एंगल 60 डिग्री का होगा। ठीक है, बिल्कुल मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि सतह है नीचे की, ठीक है, नीचे का ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, अभी हम z में गए ही नहीं, हम सिर्फ नीचे के ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। अगर नीचे में एक ट्राइंगल बना दूँ, जमीन पर एक ट्राइंगल बना दूँ, तो उसमें आपको y निकालने के लिए उसकी इस जैसे मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ मूल बिंदु पर, और मूल बिंदु से मुझे जाना है उस वाले तक, इस तक जाना है, ठीक है, यहाँ तक पहुँचना है, यहां तक पहुंचना, तो किस प्रकार से पहुंचूंगा, पहले तो मैं x में जाऊंगा और फिर y में जाऊंगा, तो x में कितना जाना पड़ेगा मुझे a/2, और y में कितना जाना पड़ेगा मुझे, y में जो इसकी लंबाई होगी उतना जाना पड़ेगा, उसकी लंबाई कितनी है, ये इसकी लंबाई है। ठीक है, अभी आपको 3D में समझो इसको, मैं यहां पे बना लेता हूं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं, और ट्राइंगल में समझते हैं, ट्राइंगल जैसा आपका बना हुआ है कैसा, जमीन पर रखा हुआ ट्राइंगल बना हुआ, कैसे रखा है, जमीन पर रखा हुआ आपका ट्राइंगल बना हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से ये, ठीक है, यहां से हमें मिल गया है कितना, ये a/2, ये दूरी यहां से यहां तक, और यहां पे मैं जाने के लिए ये a है मेरे पास, ये a/2 है, तो बाकी बचा हुआ कितना होगा √3a/2, ये का कितना हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा a/2, √3a/2, 0।
ये रूट थ्री बाई टू कैसे आया, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय फोर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय फोर, तो फोर माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा थ्री, थ्री ए स्क्वायर बाय फोर, तो ये रूट थ्री ए बाय टू हो जाएगा इसका रूट लेकर, ठीक है। तो हमारे पास इसे क्या मिल गया, रूट थ्री ए बाय टू, ठीक है। ये हमें कोऑर्डिनेट मिल गए वाई के, तो यहाँ पे आप देखते हो तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए बाय टू कॉमा रूट थ्री ए बाय टू कॉमा रूट थ्री ए बाय टू कॉमा जीरो, ठीक है। ये हमें वाई कोऑर्डिनेट मिल गया है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं जेड कोऑर्डिनेट की, जेड कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। जेड कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ए बाय टू तो यहां तक जाना पड़ेगा, यहां तक ए बाय टू चला, फिर मुझे यहां तक पहुंचना पड़ेगा, यहां तक पहुंचना पड़ेगा जमीन पे चलते हुए, ठीक है। जमीन पे चलते हुए मुझे यहां तक पहुंचना पड़ेगा, कैसे, यहां से मैं चलूंगा ए बाय टू आगे जाऊंगा, फिर थोड़ा आगे जाना पड़ेगा मुझे वाई में, और फिर ऊपर चढ़ना पड़ेगा कुछ दूरी, ठीक है, कुछ दूरी ऊपर चढ़नी पड़ेगी। तो छू कैसे निकालूंगा, पहले अगर मैं निकाल लूं ए बाय टू और फिर वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा, पहले वाई का वैल्यू पता करूं कि कितना वाई में जाना पड़ेगा, तो वाई में मुझे यहां तक जाना पड़ेगा। ये निकालने के लिए कैसे करता हूं, ये दूरी ए बाय टू मुझे मालूम है, ये दूरी मुझे पता है कि ये ए बाय टू है, यहां से लेकर यहां तक ये दूरी कितनी है, ए बाय टू है, ठीक है। अच्छा, और ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 30 डिग्री के बराबर होगा, ये एंगल 30 डिग्री के बराबर होगा, तो मैं बोल सकता हूं कि ये दूरी जो होगी ना, ये वाली दूरी सिर्फ इस दूरी की बात कर रहा हूं मैं, अभी 3D में नहीं गया हूं, मैं अभी भी जमीन पर ही हूं, तो इसकी दूरी की बात करेंगे तो मान लेता हूं ये कितना है वाई, ये मान लेता हूं वाई, तो वाई बाय ए बाय टू किसके बराबर होगा, टेन 30 के बराबर, तो वाई इज इक्वल टू ए बाय टू टेन 30 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहां से कितना आ गया, ए बाय टू रूट थ्री, वाई कितना आ गया मेरे पास, ए बाय टू रूट थ्री, तो y निर्देशांक मुझे जरूरत भी पड़ेगी। x कितना आ गया, a बाय टू, y कितना आ गया, a बाय टू रूट थ्री मेरे पास आ गया, सही किया मैंने, a बाय टू, y बाय a बाय टू इजल्स टेन 30, तो y इजल्स टू a बाय टू टेन 30 के बराबर आ गया मेरे पास, चलो बहुत अच्छी बात है, a बाय टू रूट थ्री यहाँ पर मेरे पास y आ गया। अब मुझे बात करनी है z की, तो z पे जाने के लिए x में कितना चला, a बाय टू, y में कितना चला, a बाय टू रूट थ्री, अब z में चलना पड़ेगा, तो z में चलने निकालने के लिए क्या करूँगा, कैसे करूँगा मैं z में निकालने के लिए, z निकालने के लिए मैं बोलता हूँ कि ये जो y है इसको आप निकालो a बाय टू और a बाय टू रूट थ्री से आपको पता चल गया, तो ये दूरी मैं निकाल सकता हूँ क्या, जैसे मान लो अगर आप जमीन पे खड़े हो, तो दिस इज x, दिस इज y, और ये मुझे निकालना है जमीन पर ही, अगर x y तल में ही निकालना है, तो x y तल में ये दूरी निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इसका मुझे निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से ये दूरी, और ये दूरी निकालने के बाद मैं फिर से एक बार पाइथागोरस थ्योरम लगा के ऊपर जाने की कोशिश करूँ, ऊपर जाऊँगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो मुझे मिल जाएगी z एक्सिस में मुझे कितना ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो z एक्सिस में ऊपर जाने के लिए हमें वो लिखना पड़ेगा, इसको हम एक बार फिर से बना के और नेक्स्ट पेज पे देखते हैं बिल्कुल क्लियरली, बिल्कुल नीटली हम इसको z एक्सिस निकालने की कोशिश करते हैं। पहले हमें नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, इसके लिए नेक्स्ट पेज पे चल के हम बनाएंगे शेप। चलो आ जाओ भैया, आ जाओ, बिल्कुल सीधा बन जाइए आप, ये उल्टा क्यों बनता है, इसको रोटेट करना पड़ेगा हमको, ठीक है। अब हमें जाना है इसके z एक्सिस को, हमें z कोऑर्डिनेट हमें इसका निकालना है कि ऊपर जो बिंदु है, ऊपर जो चीज़ आ रही है, ऊपर जो वर्टेक्स आ रहा है, उसका क्या कोऑर्डिनेट होगा। उसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें x में a बाय टू चलना पड़ा, y में a बाय टू रूट थ्री चलना पड़ा, ठीक है। x में कितना चला a बाय टू, y में कितना चला a बाय टू रूट थ्री, ठीक है। ऐसे चल के आया यूं करके यूं, तो ये वाली अगर दूरी मुझे पता चल जाए, जहां से मैंने शुरू किया था ये वाली दूरी पता चल जाए, और इसकी हाइट निकालनी है, इसकी हाइट निकालनी है, तो मैं इसकी भुजा में से, इसकी भुजा के स्क्वायर में से ये वाली दूरी माइनस कर दूं, तो मुझे ये हाइट पता चल जाएगी, इसकी भुजा में के स्क्वायर में से, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं, पाइथागोरस थ्योरम में लगा रहा हूं कि इसकी भुजा के स्क्वायर में से इस दूरी का स्क्वायर माइनस कर दूं, तो मुझे ये हाइट पता चल जाएगी, और ये हाइट जो है, ये ऊंचाई जो है, वही z निर्देशांक है ना, वही z निर्देशांक है। तो ये निकालने का तरीका कैसा है, आपके पास क्या है, ये है और ये है, क्या है, ये है और ये है। ये निकालने के लिए पहली बार आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, किस पे, इस पे और इस पे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर देगा मुझे इस टेढ़ी लाइन का स्क्वायर, x वाले का स्क्वायर प्लस y वाले का स्क्वायर मुझे देगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, जो कि ये दूरी मुझे मिलेगी, जो कि ये दूरी मुझे मिलेगी। तो पहले अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हम करते हैं, तो हमारा x और y कितना आया था, x आ गया था हमारा a बाय टू, एक्स आ गया था हमारा a बाय टू, और y आ गया था हमारा a बाय टू रूट थ्री, ठीक है, यही आया था। अब मुझे ये दूरी निकालनी है, इस दूरी को मैं बोल लेता हूं अभी के लिए, क्या बोलूं मैं बोल लेता हूं इसको एक्स वाई जेड हम नहीं बोलेंगे, पी बोल लेते हैं, ठीक है, पी दूरी हम बोल लेते हैं। तो पी होगा अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाय फोर
प्लस ए स्क्वायर बाय कितना होगा, 4 × 3 = 12, ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। ये कितना मिलेगा, यहाँ से कर लो इसको 3 × 4 = 4, ये हो जाएगा 3 और ये कर लो इसको 12, तो 4 a² / 12 √4 a² / 12 यानी कि a√3 हमारे पास P मिल गया है, ठीक है। अब हमें निकालनी क्या है, h दूरी, जितना हमें खंबे पे ऊपर चढ़ना पड़ेगा। मान लो मुझे खंबे ऊपर चढ़ना है तो ये h दूरी मुझे निकालनी है। h दूरी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, अब मुझे ये मिल गई है, ये h दूरी मुझे निकालनी है और भुजा मुझे पता है कि भुजा a के बराबर है, ठीक है। तो इसको समझो कि जैसे मेरी लंबाई है, मुझे समझो कि आप, ये आपको मेरी लंबाई निकालनी है, ठीक है। आपको वहां उस दूरी से ये पता है, ये साइड वाली दूरी पता है और ये वाली दूरी पता है, ठीक है। ये दूरी निकालने के लिए आप क्या करोगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, मेरी हाइट का स्क्वायर बराबर भुजा का स्क्वायर माइनस ये दूरी का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कि a² - p² मुझे क्या देगा, h का स्क्वायर। तो मैं क्या लिख सकता हूं, h का स्क्वायर बराबर किसके बराबर होगा, a² - p² तो h किसके बराबर हो जाएगा, √a² यानी कि a² - p² यानी कि a² / 3। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास √2a / √3, ठीक है, √2a / √3। हम वापस चलते हैं पीछे, कि हमारा पेज कहाँ चला गया, ये रहा हमारा ये वाला पेज। तो हमारे पास z एक्सिस कितना मिल गया, हमारे पास हमें z जो कोऑर्डिनेट कितने मिल गए, ये जो ऊपर वाला पॉइंट था, जो ऊपर वाला जो पिरामिड है, जो आपने देखे होंगे इजिप्ट के पिरामिड जो देखे होंगे, सबसे ऊपर वाले पॉइंट का अगर मुझे निकालना होता निर्देशांक, तो वो किसके बराबर आता, वो आता a/2, मैं यहाँ लिख रहा हूँ a/2 √3 √3/2 आया था, √2 आया था, कहाँ गया रे, तो इसके अंदर बड़ी परेशानी है, √2 a/√3, √2 a/√3 उल्टा लिख दिया हमने, बिल्कुल अच्छा हुआ चेक कर लिया, √2 a/√3 ये आ गए मेरे पास निर्देशांक z के सबसे ऊपर वाले कोने के, ठीक है। अब हमारा आधा काम कंप्लीट हो चुका है, बल्कि आधे से ज्यादा काम का इसके अंदर हम कंप्लीट हो चुका है। हमें सिर्फ अब निकालना है कि मूल बिंदु वाला जो हमारा आवेश है उसके ऊपर कितना बल आने वाला है, ठीक है। तो मूल बिंदु वाले आवेश पे हम बल निकाल लेते हैं। अगर मैं निकालना चाहता हूं मूल बिंदु वाले आवेश बल, तो इसकी वजह से यहां पर भी एक क्यू रखा है, यहां पर भी एक क्यू रखा है, ठीक है। इन चारों की वजह से आपको निकालना है, इसकी वजह से निकालोगे कितना आएगा, k³² / a³, और इसकी दिशा क्या होगी, ai कैप, ये हम सीख चुके हैं। तो मैं यहां से लिखता हूं, मैं यहां पर लिखता हूं, मैं साथ साथ लिखते जाता हूं इसके अंदर, चलो पहले वाले पे दूसरे वाले की वजह से कितना होगा, k³² / a³। a क्यूब सीधे सीधे क्यों लिखवा रहा हूं मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि वो दूरी a क्यूब के बराबर है और दिशा क्या आ जाएगी, ai कैप, ठीक है। अच्छा, तीसरे वाले की वजह से पहले पर कितना आएगा, k³² / a³। a क्यूब मुझे पता है अभी भी भुजा के ऊपर ही देख रहे हैं हम, तो a क्यूब ही आएगा, और दिशा कितनी आ जाएगी, दिशा क्या आ जाएगी, दिशा के लिए निर्देशांक देखो तो a/2 i कैप + √3 a/2 j कैप, ठीक है, a/2 i कैप + √3 a/2 j कैप, ठीक है, ये आ गया मेरे पास दूसरे की वजह से। और तीसरे की वजह से देखें जो z वाला है उसके ऊपर से कितना आ जाएगा, k³² / a³, और उसके निर्देशांक आई जे के में कितने आए थे निर्देशांक, a/2 a/√3 √2 a/3, ठीक है। तो a/2 √3 j कैप + √2 a/√3 k कैप, ये आपके पास मिल गए हैं निर्देशांक, ठीक है। ये आपको मिल गया है बल के एक नंबर चार्ज पे जो मूल बिंदु पर रखा है उसके ऊपर बाकी की वजह से कितना बल लग रहा है, ये आपको यहां पर मिल चुका है। तो कुल बल अगर मैं बोलता हूं कि आगे कुल बल कितना होगा इसके ऊपर, तो आप बोल सकते हो कि k³² / a³ तो कॉमन आ जाएगा यहां से, और आप अंदर से भी a निकाल लो तो ये आपके अंदर क्या बचेगा, i कैप + √3/2 j कैप +
आई बाई टू प्लस वन बाय टू रूट थ्री जे कैप प्लस रूट टू बाय रूट थ्री के कैप, रूट टू बाय रूट थ्री के कैप, ये आपको मिल गए हैं यहां से। ये एक ऐसे या क्यूब है तो आप इसको काट दो, के क्यू बाय ए स्क्वायर बच जाएगा आपके पास, नीचे बचेगा के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, अंदर जो बचता है उसको हम आई जे के में लिख लेते हैं। एक आई बाई यहां से एक आई बाय टू मिला के मिल जाएगा टू आई कैप प्लस रूट थ्री बाय टू और ये वन बाय टू रूट थ्री, तो रूट थ्री बाय टू प्लस वन बाय टू रूट थ्री ये मिला के बनेगा आपको जे कैप और ये रूट टू बाय रूट थ्री के कैप, ये मिल गए हमें आई जे और के रूप में। ठीक है, अब हमें इनका मान निकालना है, बस हमें इनका परिमाण निकालना है। तो परिमाण कैसे निकालोगे आप, लिखोगे के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर यानी कि चार प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या खोलोगे आप इसको तो ए स्क्वायर क्या होगा थ्री बाय टू, बी स्क्वायर क्या होगा इसका स्क्वायर तो वन बाय टू इंटू फोर इंटू ट्वेल्व प्लस टू ए बी, तो टू इंटू रूट थ्री बाय टू इंटू वन बाय टू रूट थ्री, ये आ जाएगा टू ए बी और फिर इसका स्क्वायर करोगे तो टू बाय थ्री के बराबर आ जाएगा। देखो देख सकते हो आप, बहुत आसान सी टर्म यहाँ पर बन जाएगी, वन बाय टू बन जाएगा ये और इसके ऊपर ऊपर वन बाय टू का पावर चढ़ेगा क्योंकि रूट में चल रहा है। तो के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, कितना इसको ऐड करोगे तो कितना मिलेगा आपको, इसको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा चार प्लस तीन बटे दो प्लस यहाँ से एक बटे बारह बचा, यहाँ से एक बटे दो बचा प्लस दो बटे तीन बचा। ठीक है, ये बहुत सारी टर्म्स आपके पास आ गई हैं। एलसीएम आपको लोगे तो आपको मिलेगा यहाँ से एलसीएम मिलेगा 12, तो के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर पावर एक बटे दो लगाओ, नीचे मिलेगा एलसीएम 12, इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा चार और नीचे कुछ भी नहीं है 12 है, तो 12 से 12 चौक कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो कितना करना पड़ेगा हमें, कितना करना पड़ेगा ये, क्या कुछ गड़बड़ हुई क्या मेरे से यहाँ पे, 48 प्लस तीन छः छः 18 प्लस एक प्लस अभी कितना आएगा यहाँ पर 6 प्लस 8, ठीक है ये मिल जाएगा हमें यहाँ पर, इतना मिल गया हमें। और ये कितना आ जाएगा यहाँ से के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 48 प्लस 18 प्लस इस पर करके 72 आ जाएगा, 72 72 आ जाना चाहिए, 72 आ रहा है क्या इसको हम देख लेते हैं, अगर नहीं आ रहा तो फिर हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी, उसको हमको देखना पड़ेगा। देखो हमारा सम आ रहा है क्या हमारे, देखो ये 8 और एक 9, 9 6 15 तो 5 का टर्म आ जाएगा अगर हम ऐड करते हैं तो 5 के उसमें कुछ होगा, तो ये 72 तो कहीं से नहीं बनता, वो मुझे दिख रहा कुछ गड़बड़ हुई है कैलकुलेशन के अंदर, देखते हैं हम कहाँ हुई है। इसको हमने किया था जे कैब, इसका स्क्वायर किया था हमने तो 3 इधर 4 हो गया, इधर 3/2, तो ये 3/2 नहीं होगा 3/4 होगा, 3 इसका स्क्वायर करोगे तो 3/4 यहाँ पर आएगा, ये गड़बड़ हमसे यहाँ हुई है। ठीक है, ये 3/4 होगा, इसीलिए मैं कह रहा था कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, तो यहाँ पर 3/4 आएगा हमारे पास। ठीक है, इसको आप करते हो आप तो कितना हो जाएगा, ये 18 की जगह पर हो जाएगा 9, ये 18 जगह पर हो जाएगा 9, थोड़ा सा वो घुचपुच हो गया है लेकिन आप समझ लेना उसको, ये 9 और 1 10 16 26 अब बल्कि ये 48 मिलके 72 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 72 बाय 12 की पावर 1 बाय 2 यानी कि 12 छंग 72 रूट 6 के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है क्योंकि 3D में है तो ऑब्वियसली आप वेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हो, वेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन वो करनी पड़ेगी, तो मेरी तरह गलती करने के चांसेस हैं, लेकिन वो हमने रेक्टिफाई कर लिया यहाँ पे उसी समय पता चल गया, हमने देख लिया उसको और देख के हमने उसको सही कर दिया है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि प्लस 4Q माइनस क्यू प्लस 4Q के 3 आवेश एक सीधी रेखा पर क्रमशः 0,0,0 A,0,0 2A,0,0 स्थितियों पर रखे हैं, ये मानते हुए कि आवेश केवल एक्स अक्ष के अनुदिश गति के लिए स्वतंत्र हैं, ये सिर्फ एक्स अक्ष पे गति कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, सभी आवेश स्थायी संतुलन में हैं, सभी आवेश अस्थायी संतुलन में हैं, केवल मध्य आवेश स्थायी संतुलन में है, केवल मध्य आवेश अस्थायी संतुलन में है, तो यह स्थायी अस्थायी हमारे पास संतुलन जो पढ़ा था, एक में इक्विलिब्रियम पढ़ा था उसके ऊपर ये बेस्ड है सवाल। हम देखते हैं क्या बोला है, प्लस 4Q माइनस क्यू और प्लस 4Q 3 आवेश एक सीधी रेखा में क्रमशः 0,0,0 एक तो 0,0,0 पर रखा है, दूसरा किस पर रखा है A,0,0 यहां पर रखा है A,0,0 पर रखा है
और तीसरा कहां रखा है, तीसरा रखा है 2a, 0, 0 पर, ये 2a, 0, 0 पर रखा है। ठीक है, ये हुई बात हमारी। ये मानते हुए कि आवेश केवल x अक्ष के अनुदिश गति के लिए स्वतंत्र है तो क्या होगा, क्या होगा, यहां पर रख दो आप कितना 4q, यहां पर रख दो आप माइनस क्यू, और यहां पर रख दो आप फिर से 4q। ठीक है, आप ये सिर्फ x गति x अक्ष पे मूव कर सकते हैं, ये ऊपर नीचे नहीं जा सकते, सिर्फ ये सीधे सीधे और आगे पीछे मूव कर सकते हैं। तो क्या होगा, सभी आवेश स्थायी संतुलन में है, तो हम चेक स्थायी संतुलन में है या नहीं है। स्थायी संतुलन में तब होते हैं आवेश जब उनके ऊपर अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है उनका, हम थोड़ा सा विस्थापित करने का उनका प्रयास करते हैं तो वो अपनी ही जगह पर वापस आने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं इसके अंदर कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे। देखो हम बात करते हैं बीच वाले आवेश की, बीच वाले आवेश की बात करते हैं हम, इसके ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, एक तो ये आकर्षण बल लगा रहा है और ये भी आकर्षण बल लगा रहा है। ठीक है, दोनों इसको आकर्षित कर रहे हैं। जब मैं इसको, जब ये माइनस क्यू 4q के पास आ जाएगा, माइनस क्यू जो है 4q के पास आएगा, तो इसकी दूरी बढ़ेगी और इस वाले से दूरी घटेगी। तो जैसे इससे दूरी घटेगी, दूरी घटने की वजह से फोर्स जो है वो बढ़ जाएगा, इसका बल बढ़ जाएगा, और इसकी दूरी घटने की वजह से, इसकी दूरी बढ़ने की वजह से इसका फोर्स कम हो जाएगा। तो ये जो है अस्थायी संतुलन में होगा, ये सीधा इधर आएगा और यहीं का यहीं का निकल जाएगा, ये वापस अपनी जगह पर जाएगा ही नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि बीच वाला आवेश जो है वो तो अस्थायी संतुलन में है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन से हैं, ये स्थायी वाले तो हमारे चले गए, सभी आवेश अस्थायी संतुलन में है, नहीं बीच वाला अस्थायी में है तो ये वाला ऑप्शन चला गया हमारे पास, और केवल मध्य आवेश स्थायी संतुलन में है यह भी रहता है हमारे पास, सभी आवेश अस्थायी और केवल मध्य आवेश अस्थायी संतुलन में है, मध्य आवेश अस्थायी संतुलन में है बिल्कुल, केवल मध्य आवेश स्थायी संतुलन में है, तो ये भी चला गया ना, ये भी अस्थायी में है। हमारे पास बचा बी और डी, बी और डी की बात करते हैं। अब बात करते हैं हम किसी भी एक आवेश की, अगर आप बात करो कि वो स्थायी संतुलन में है कि नहीं है, उसकी बात कर सकते हैं। आप देखोगे कि ये माइनस क्यू जो है ये 4q को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है इसको। ठीक है, वहीं ये 4q जो है इस 4q को प्रतिकर्षण कर रहा है, प्रतिकर्षण बल दे रहा है। अगर इस 4q का मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट करा देता हूं, मान लो इधर मैंने शिफ्ट करा दिया इसको, थोड़ा सा इधर शिफ्ट कराया, तो माइनस क्यू जो 4q के ऊपर बल लगा रहा है वो दूरी कम होने की वजह से बढ़ जाएगा, तो इस पे इधर आने की कोशिश करेगा, ये इधर आने की कोशिश करेगा, और 4q जो है वो इसके ऊपर जो बल लगा रहा है वो दूरी कम होने की वजह से वो भी घट जाएगा, तो माइनस क्यू जो है वो इसको अपनी तरफ पूरी तरह से खींच लेगा। ठीक है, तो अपनी जगह पे वापस नहीं जा पाएगा, तो ये भी किस में हो जाएगा, अस्थायी संतुलन में हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं सभी आवेश जो है वो अस्थायी संतुलन में है, और डी भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ये हमारे चार ऑप्शन की बात हुई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीन आवेशित कण केवल उनके स्थिर विद्युत बलों के कारण साम्यावस्था में हो, तो तीन आवेशित बल कण केवल उनके स्थिर विद्युत बलों के कारण आप साम्यावस्था, और कोई बल नहीं लग रहा है उनके पास, सिर्फ और सिर्फ स्थिर विद्युत बल उनके पास लग रहा है, तो क्या होगा, कण निश्चित रूप से रेखीय होंगे, सभी आवेशों का परिमाण समान नहीं हो सकता। हम एक एक करके इनको देखते हैं, ऑप्शंस को देखते हैं। सब तीन आवेशित कण केवल उनके स्थिर विद्युत बलों के कारण साम्यावस्था में है, तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, कण निश्चित रूप से रेखीय होंगे, तो इसका क्या मतलब है, मान लेते हैं हम कि रेखीय नहीं है, तीन आवेश इस प्रकार से रखे हैं, इस प्रकार से तीन आवेश रखे हैं, तो क्या होगा, अगर आप मैं बात करता हूं सिर्फ इसके ऊपर, अगर मैं इसके ऊपर बल लगाता हूं, किसको मैं बोल देता हूं एक, इसको मैं बोल देता हूं तीन, और इसको मैं बोल देता हूं दो, इसको बोलते हैं तीन, तो अगर मैं तीन की बात करता हूं कि एक की वजह से तीन पे कितना बल लग रहा है, वो कुछ इधर लगेगा, इसकी वजह से इधर लगता है तो वो कुछ इधर लगेगा। ठीक है, तो कुल बल इसके ऊपर होगा वो कभी भी शून्य नहीं हो पाएगा, कुल बल कभी भी शून्य नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ एक घटक आएगा जो कि इसको बल दे रहा होगा, कुछ ना कुछ बल इसके ऊपर आएगा, तो कुल बल यहां पर शून्य नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि कण निश्चित रूप से रेखीय होंगे, ये हमारी बात सही हो जाएगी। ठीक है, इनको रेखा, एक ही रेखा में होना पड़ेगा। अगर सभी आवेश का परिमाण समान नहीं हो सकता, हम मानते हैं कि सभी आवेश जो है उनका परिमाण समान है, हम उल्टा मान के कर लेते हैं, तो ये मेरे पास सरल रेखा में रखें, सीधी रेखा में रखें, ये और ये और ये, ठीक है, यहाँ तीन जगह रखें, हम मान लेते हैं इन तीनों का ही जो परिमाण है वो, मान है वो क्यू 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 के बराबर है। अब क्या हो सकता है साम्यावस्था में हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते हैं, इसकी बात करते हो आप, तो ये तो हो सकता है, बीच वाला तो हो सकता है, लेकिन आसपास वाले है जो हैं वो कभी भी साम्यावस्था में नहीं आ सकते, इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो समान, ये सही हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि समान नहीं होने चाहिए, समान नहीं हो सकते, तीनों का जो बल है, जो आवेश है वो समान नहीं होना चाहिए, सभी आवेशों का चिन्ह समान नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, सभी आवेशों का चिन्ह भी समान नहीं हो सकता। अगर समान से चिन्ह वाले हैं तो हम देख सकते हैं कि दो, इसका इसकी वजह से प्रतिकर्षण मिलेगा, इसकी वजह से प्रतिकर्षण मिलेगा, तो वो भाग जाएगा, ठीक है, अपनी साम्यावस्था में रहेगा ही नहीं, तो वो साम्यावस्था वहाँ खत्म हो जाएगी, और साम्यावस्था अस्थायी है, बिल्कुल अस्थायी साम्यावस्था है इसके अंदर। आप देख सकते हो कि इसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगेगा, इसकी वजह से आकर्षण
बल लगेगा। अगर आप जरा सा भी इसको मूव कराते हो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर देखा था, तो माइनस क्यू की तरफ पहुंच जाएगा। तो चारों ही हमारे पास जो ऑप्शन है ये यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, सातवां क्वेश्चन ये हुआ। आठवां देखते हैं, आर दूरी पर रखे दो बिंदु आवेश क्यू वन क्यू टू के बीच स्थिर विद्युत बल एफ क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर से नियतांक के है। केवल मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करता है, आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। मात्रकों की पद्धति और आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। ये दोनों मात्रकों की पद्धति आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, ये जो k q1 q2 स्क्वायर में r स्क्वायर में k जो है इसके बारे में चर्चा हो रही है, किस किस पर निर्भर करता है। तो ये चीजें याद करने वाली चीजें याद रख सकते हो आप इसको, कि मात्रकों की पद्धति पर भी ये निर्भर करता है और आवेशों के बीच माध्यम पर भी निर्भर करता है। माध्यम पर कैसे निर्भर करता है ये तो हम चर्चा कर चुके हैं। k जो होता है वो 1/4πε0 एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के बराबर होता है, ये हम चर्चा कर चुके हैं। तो एप्सिलॉन आर जो है परावैद्युतांक ही होता है और ये परावैद्युतांक जो है ये माध्यम पर निर्भर करता है, तो के भी माध्यम पर निर्भर करता है। अब ये जो हमारे पास मात्रकों की पद्धति है उस पर भी कैसे निर्भर करता है आप देख सकते हो कि इसमें क्या है, इसमें जो के होता है उसका यूनिट क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये सब मात्रा लिखते हैं। अब मैं इसको न्यूटन मीटर में प्रति कूलम स्क्वायर से बदल देता हूं तो कुछ ना कुछ इसके मान में बदलाव आ जाएगा, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू में बदलाव आ जाएगा और वो वैल्यू जो होगी वो हम देखेंगे। देखने वाली बात ये है कि ये डिपेंड कर रहा है पद्धति पर भी। नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बिंदु आवेश प्लस क्यू समबाहु त्रिभुज के केंद्रक पर रखा हुआ है जबकि एक दूसरा आवेश प्लस क्यू त्रिभुज के शीर्ष पर रखा जाता है। ठीक है, विद्युत बल जो केंद्रक आवेश पर लग रहा है परिमाण 8 न्यूटन है। यदि एक और आवेश प्लस क्यू आवेश त्रिभुज के शीर्ष पर रख दिया जाए तो केंद्रीय आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा। ठीक है, ये बोल रहा है कि एक त्रिभुज है हमारे पास। ठीक है, इस त्रिभुज के केंद्रक पे, बिल्कुल केंद्रक पे हमने एक आवेश रखा है प्लस क्यू और इसके एक शीर्ष पर भी एक आवेश रखा है हमने प्लस क्यू। ठीक है, अच्छा, और अब इन दोनों के बीच में अभी जो बल लग रहा है वो दे रखा है 8 न्यूटन का। वो कितना दे रखा है हमें, 8 न्यूटन का बल दे रखा है। अच्छा चलो, अच्छी बात है। अब बोलता है कि एक और क्यू आवेश अगर रख दिया जाए, अगर एक और क्यू आवेश रख दिया जाए तो अब कुल बल कितना होगा। इसकी वजह से अगर बात करता हूं तो ये आवेश इधर लगाएगा। ठीक है, बल लगाएगा और 8 न्यूटन का ही लगाएगा क्योंकि वही चार्ज है, वही दूरी है, सब कुछ वही है, तो 8 न्यूटन का ही बल लगेगा। हमें पता करना है कुल बल कितना लगेगा। कुल बल निकालने के बाद पता है कि इनके बीच में जो एंगल होगा वो 120 डिग्री का होगा। इनके बीच में जो एंगल होगा वो 120 डिग्री का होगा। ठीक है, आप जानते हो केंद्रक होता है, केंद्रक से जो लाइनें निकलती है वो 120 डिग्री एंगल बनाती है। अगर वो 120 डिग्री एंगल बना रही है तो इसके कुल बल कितना आएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 8 इसका स्क्वायर प्लस 2 × 8 × 8 cos 120 डिग्री। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा और यह किस में आएगा, ये आएगा रूट में। इसको आप सॉल्व करोगे तो आगे कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 8 न्यूटन के बराबर ही आंसर आ जाएगा इसका, करके आप इसको देख लेना। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देख सकते हो। बेसिकली ये -1/2 बनेगा तो 8 स्क्वायर बनेगा, 8 स्क्वायर कट जाएगा, एक 8 स्क्वायर बचेगा और वो बाहर 8 न्यूटन के बराबर आके मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखो दसवां क्वेश्चन, दो हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे से अधिक दूरी r पर स्थित हैं, इन्हें बिंदु की भांति मानते हुए कूलाम के नियम के आधार पर इसके बीच विद्युत बल क्या होगा, हमें पता करना है। दो हाइड्रोजन एटम ऐसे ऐसे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, हमें पता करना है कि इनके बीच में कितना विद्युत बल होगा, विद्युत बल इनके पर कितना होगा। हाइड्रोजन एटम जो होता है उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी वजह से उसका जो कुल आवेश होता है वो शून्य होता है। अगर कुल आवेश शून्य होता है उसके ऊपर तो उसके ऊपर कोई भी विद्युत बल नहीं लगेगा, इसलिए हमारा जो ऑप्शन है डी नन जीरो ये सही हो जाएगा। ये बात की हमने होमवर्क नंबर 1 की। ठीक है, थोड़ी देर में वापस मिलता हूँ आपसे और होमवर्क नंबर 2 लेकर आता हूँ आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं होमवर्क नंबर 2। कहाँ है भैया हमारा होमवर्क नंबर 2? होमवर्क नंबर 2 हमारा ये रहा, कहाँ गया ये रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है इससे। ये मना कर रहा है कि हम आज नहीं करेंगे, आज नहीं मिलेंगे आपको। पेन दे दो हमें फिर से, हमारा पेन कहाँ गया है, ये पेन ये है, प्रीवियस। अच्छा यहाँ आ गए तुम, ओके, हमें लगा तुम वहाँ है, तुम्हें वहाँ ढूंढ रहे हो तो तुम्हें यहाँ मिले। अच्छा चलो देखो क्या कह रहा है होमवर्क नंबर 2। ये कह रहा है कि अगर एफ जी गुरुत्वाकर्षण बल, एफ सी कूलाम बल, एफ एन नाभिकीय बल हो, अगर एफ जी गुरुत्वाकर्षण बल, एफ सी कूलाम बल, एफ एन नाभिकीय बल हो तो एफ जी एफ सी एफ एन और इनका मतलब अनुपात क्या होगा। तो ये तो याद रखने वाली चीज़ है, याद रखने वाली चीज़ यह है कि नाभि के बल जो होता है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, उससे बाद क्या होता है हमारा कूलाम होता है, उसके बाद क्या होता है गुरुत्वाकर्षण होता है और उसका जो रेशियो है वो
10^36 और 10^38 के बराबर होता है, आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको यह भी याद होता है कि इसके अंदर सबसे ज्यादा कौन सा बल होता है तो भी आप इसको कर सकते थे क्योंकि ऑप्शन में उस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चित्र अनुसार पी ऋणात्मक बिंदु आवेश है, इसका भार एक बहुत लंबे स्थिर फिक्स तार द्वारा संतुलित किया जाता है, कण की साम्यावस्था क्या है? ऊर्ध्व विस्थापन के लिए स्थायी है, ऊर्ध्व विस्थापन के लिए उदासीन है, क्षैतिज विस्थापन के लिए स्थायी है, क्षैतिज विस्थापन के लिए उदासीन है। तो हमें देखना है कि एक तार लिया है हमने, हमारी छड़ है जो अनंत लंबाई की है, उसके नीचे हमने एक ऋणात्मक आवेश का चार्ज रख दिया है पी पर। ठीक है, बताने की ऋणात्मक आवेश जो है इसको अगर मैं मूव कराता हूं तो इसमें स्थायी संतुलन बनता है या स्थायी साम्यावस्था बनती है, ये हम बताना किस प्रकार बता पाएंगे। हम जानते हैं कि हमारे पास जो छड़ होती है उसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र बनता है वो 2K λ/R बनता है। कितना बनता है? 2K λ/R बनता है। और क्योंकि ये ऋणात्मक है इसलिए इसकी दिशा जो आएगी वो ऊपर की तरफ आएगी और नीचे इसके ऊपर लग रहा होगा बल mg के बराबर। ठीक है, इसी की वजह से ये साम्यावस्था में है। अब क्या होगा अगर मैं इसको हिला देता हूं, तो यहां पे आप लगा दो q समाधान में लगा दो इसके, तो बल मिल जाएगा आपको। अगर मैं इसको हिला देता हूं तो क्या होगा, आप देख सकते हो कि जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा नीचे मूव कराता हूं, थोड़ा सा नीचे इसका विस्थापन कराता हूं, तो ये जो बल है वो कम हो जाएगा, जो छड़ की वजह से बल लग रहा है वो कम हो जाएगा। आप देख सकते हो कि दूरी से जो व्युत्क्रम अनुपाती है बल, ठीक है, जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे ही बल कम हो जाएगा, तो mg जो है अपना जोर बढ़ा देगा और इसको नीचे की तरफ ले जाएगा, तो इसकी जो साम्यावस्था होगी वो अस्थायी रूप से अस्थायी होगी ऊर्ध्व दिशा में। ठीक है, तो ऊर्ध्व दिशा में विस्थापन के लिए उदासीन है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा इसके अंदर सही है, ऊर्ध्व विस्थापन के लिए स्थायी नहीं है, अस्थायी है, ऊर्ध्व विस्थापन के लिए उदासीन नहीं है, अस्थायी है। ठीक है, ये तो ऊपर दो तो गलत हो गए। अब बात करते हैं क्षैतिज विस्थापन के लिए स्थायी, क्षैतिज विस्थापन करके देखो। अब भैया तो अनंत है, यहां पर रखा होता है, कहीं पर भी रखा होता, कोई फर्क पड़ना ही था, वो उसी तरह साम्यावस्था में रहता, तो हम बोल सकते हैं कि क्षैतिज विस्थापन के लिए उदासीन होगी साम्यावस्था, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ग के कोनों पर चार धनात्मक आवेश 2√2−1 q को संयोजित किया गया है, एक अन्य आवेश छोटा q को वर्ग के केंद्र पर रखते हैं, तो प्रत्येक कोने पर परिणामी बल शून्य होगा, q का मान है। ठीक है, परिणामी बल अगर शून्य हो प्रत्येक कोने पर तो q का मान क्या होगा, यह हमसे पूछा गया है। हमें कुछ इस प्रकार से दिया है कि यह ऐसे रखा है, इस प्रकार से 2√2−1 q हर कोने पर, 2√2−1 q, ये 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 भी 2√2−1 q, सब के सब क्या है 2√2−1 इंटू q के बराबर है, और इनके बीच में बिल्कुल बीच में क्या रखा है हमने रखा है एक छोटा q। इस क्यू की वजह से बोल सकते हैं कि सब आवेशों की वजह से किसी भी एक आवेश पर निकालते हैं तो जो बल आने वाला है वो शून्य के बराबर आने वाला है। अगर शून्य के बराबर बल आने वाला है तो हमें पता करना है कि इस छोटे क्यू का मान क्या होगा, तो किसी भी एक को पकड़ लो, उसके ऊपर बल निकाल लो। अगर मैं इसकी बात करता हूं, उसके बल निकालने की कोशिश करता हूं, तो इसकी वजह से बल आएगा ऊपर की तरफ और इसकी वजह से बल आएगा इधर की तरफ और दोनों बराबर होगा एफ और एफ में, इसको बोल लेता हूं इसकी वजह से भी एफ और इसकी वजह से भी एफ। ठीक है, क्यों? क्योंकि दूरी बराबर है। इसकी अगर बात करता हूं तो ये किसके बराबर आएगा, इधर आएगा। अगर ये a है तो ये कितनी होगी, √2 है, ये दूरी कितनी होगी, √2 है, और ये बल कितना हो जाएगा, इसको मैं f' अगर बोलता हूं तो कितना हो जाएगा, kq2, यानी कि k इंटू q इंटू q, तो k इंटू 2√2−1 का स्क्वायर बटे √2a का स्क्वायर, तो वो 2a² के बराबर हो जाएगा। ये हमें f' मिल गया। अगर यहां हमें f' मिल गया है तो ये कितना होगा, a√2 के बराबर होगा, ये a√2 के बराबर होगा। अगर ये a√2 के बराबर है तो आप देख सकते हो कि इनको बैलेंस करने के लिए, ठीक है, इनको हटाने के लिए एक बल इधर की तरफ लगना चाहिए, तो q का हमें पता चल गया, q का चिन्ह जो होगा नेगेटिव होगा, वो हर ऑप्शन नेगेटिव दिए हैं, मैं तो उसके अंदर वैसे भी आपको पता चल गया था नेगेटिव आने वाला है। अगर नेगेटिव आने वाला है तो बल कितना होगा, वो बल होगा k इंटू 2√2−1 इंटू छोटा q बटे a√2 का होल स्क्वायर, तो ये a² / 2 ऊपर चला जाएगा। ये किसके बराबर आएगा, इसके और इसके और इसके सदिश योग के बराबर। तो इसका और इसका, f और f का सदिश योग क्या होगा, 2√2f, तो √2f को रख दो यहाँ पे, √2 इंटू f, और f का मान कितना आना चाहिए था, k इंटू √2√2−1 q इंटू 2√2−1 q बटे a², तो लिख दो k इंटू
टू रूट टू माइनस वन क्यू का होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, और ये तो है ही हमारे पास, इसको भी हमें यहां पे लिखना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा ये k इंटू टू रूट टू माइनस वन का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर बटे टू ए स्क्वायर, ये हमें मिल गया है यहां से। अच्छा, क्या क्या कट सकता है इसके अंदर, आप देखोगे सब जगह से एक टू रूट टू माइनस वन क्यू, टू रूट टू माइनस वन क्यू चला जाएगा, टू रूट टू माइनस वन क्यू चला जाएगा यहां से। ठीक है, ये चला गया, ये चला गया, यहां से भी ये चला गया, ए स्क्वायर भी सब जगह से नीचे से चला जाएगा। तो हमारे पास क्या बचने वाला है यहां पर, टू के, के भी चला गया ना, के भी तो हटाओ, बस क्या बचेगा, टू इंटू क्यू, टू इंटू क्यू बराबर रूट टू, रूट टू इंटू टू रूट टू माइनस वन टू कैपिटल क्यू प्लस टू रूट टू माइनस वन इंटू कैपिटल क्यू बाय टू, ये हमें मिला है यहां पर। अगर ये हमें यहाँ पे मिला है तो इसको आपको हल करना है, इसको आपको हल करके देखना है कि जवाब क्या आने वाला है। ठीक है, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि इतना कैलकुलेशन आप कर सकते हो आराम से, आंसर माइनस सेवन क्यू बाई फोर दे रखा है, वो भी वही से आ जाएगा, ट्राइड एंड टेस्टेड है। ठीक है, अगला देखो, चार समान आवेश क्यू भुजा ए के वर्ग पर कोनों पर रखे हैं, संपूर्ण निकाय को साम्यावस्था में रखने के लिए वर्ग के केंद्र पर कितना आवेश रखना चाहिए। चार आवेश है मेरे पास, चार आवेश किस तरह से रखे हैं, भुजा के कोनों पर क्यू 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 क्यू, इधर भी क्यू, इधर भी क्यू, इधर भी क्यू और इधर भी क्यू, क्यू 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 रखे हैं, संपूर्ण निकाय को साम्यावस्था में रखने के लिए वर्ग के केंद्र पर कितना आवेश रखना चाहिए। हम मान लेते हैं वर्ग के केंद्र पर हमने बड़ा क्यू आवेश रखा है, ठीक है, हमें इसको साम्यावस्था में रखना है, तो हम मान लेते हैं किसी एक पर, इसके ऊपर जो है हमें बल निकालना है, उसको शून्य के बराबर करना है, तो बल कितना आने वाला है, यहां पर आने वाला है इसकी वजह से के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यानी कि हम मान लेते हैं उसको क्या एफ, और इसकी वजह से भी कितना आने वाला है के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, उसको मान लेते हैं एफ, पुराने क्वेश्चन की तरह, पिछले क्वेश्चन की तरह, इनका नेट कितना आ जाएगा इधर रूट टू एफ, ठीक है, और इसकी वजह से कितना आएगा के क्यू स्क्वायर बाय टू ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय टू ए स्क्वायर जो पहले क्वेश्चन में निकाला था, तो कितना हो जाएगा प्लस के क्यू स्क्वायर बाय टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया रूट टू, एफ की वैल्यू रख लो तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाय टू ए स्क्वायर, ये होना चाहिए किसके बराबर, जो कि ये क्यू लगाएगा अपनी तरफ खींचने के लिए, तो ये किसके बराबर आएगा के क्यू क्यू, और ये दूरी क्या होगी a बाय रूट टू, ये वाली दूरी क्या होगी a बाय रूट टू, के क्यू बाय ए बाय रूट टू यानी कि ए स्क्वायर बाय टू। ठीक है, ये सब जगह से आप सब कुछ कैंसिल कर सकते हो, जो कि जो कैंसिल हो रहा है आप हटा दो उसको, ये क्यू 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 चला जाएगा, तो रूट टू क्यू, रूट टू क्यू प्लस क्यू बाय टू बराबर टू क्यू के बराबर आ गया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से आप करोगे तो टू रूट टू प्लस वन इन टू क्यू, ये हमें मिल गया है, बाय फोर भी आएगा नीचे। ठीक है, और आप देख सकते हो साइन किस प्रकार से आप करोगे इसका, साइन आप डिसाइड कैसे करोगे, क्योंकि अपनी तरफ खींचने वाला होना चाहिए, तो ऑब्वियसली क्यू को माइनस में होना चाहिए, तो आंसर हमारे पास माइनस वन प्लस टू रूट टू बाय फोर का आ गया है। अगला क्वेश्चन देखो, दो बिंदुवत मुक्त आवेश प्लस क्यू था प्लस फोर क्यू एक्स दूरी पर रखे हैं, एक तीसरे आवेश को इस तरह रखते हैं कि तीनों अब साम्यावस्था में रहते हैं, अगर तीनों को साम्यावस्था में लाना है तो हमें कितना आवेश और कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा ये निकालना है इसके अंदर। क्यू और प्लस क्यू, प्लस क्यू हमें दे रखा है, क्यू और प्लस क्यू हमें दे रखा है, तो अगर मान लो क्यू यहाँ पर रखा है, क्यू और प्लस क्यू कह रहा हूँ, क्यू और प्लस फोर क्यू हमें दे रखा है, और यहाँ से मान लेते हैं हम कि कुछ डी दूरी पर हमने एक और आवेश रखा है कैपिटल क्यू मान लेते हैं उसको, और इनके बीच में दूरी हमें दी हुई है एक्स, इनके बीच में हमें दूरी कितनी दी है एक्स, है ना, एक्स दूरी दी है हमें, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी डी माइनस एक्स, ये दूरी कितनी हो जाएगी डी माइनस एक्स। चलो भाई ये अच्छी बात है, अगर ये हमें मिल गया है तो हमें पता करना है कि साम्यावस्था में कब होंगे, जब दूरी कितनी होगी, तो आप इसके ऊपर जो फोर्स निकाल रहे हो इस कैपिटल क्यू के ऊपर, इसको बल निकाल के आप शून्य के बराबर कर दो, तो कितना आएगा के क्यू क्यू बटे एक्स स्क्वायर बराबर के क्यू यानी के कैपिटल क्यू इंटू फोर क्यू बटे डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको मिल गया, तो के क्यू क्यू, के क्यू क्यू यहाँ से कट गया है, डी माइनस एक्स बटे एक्स आपको किसके बराबर मिल गया है, डी माइनस एक्स बटे एक्स क्यों लिखा, पर यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पे आएगा डी स्क्वायर। ठीक है, इनकी जो दूरी कितनी है डी स्क्वायर, तो डी माइनस एक्स अपॉन डी किसके बराबर आ गया है, कहाँ गड़बड़ हुई, के क्यू अपॉन फोर, तो टू के बराबर आ गया, तो डी माइनस एक्स इज इक्वल्स टू टू डी एक्स बराबर डी, ये तो कुछ गड़बड़ हुई, क्या किया,
के क्यू क्यू बटे डी स्क्वायर बराबर के क्यू इंटू फोर क्यू बटे डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो डी माइनस एक्स बटे डी स्क्वायर इक्वल्स टू फोर, तो डी माइनस एक्स बटे डी बराबर दो। अरे ये होगा x माइनस डी होगा ना, इसको हम क्या लिखेंगे x माइनस डी, x माइनस डी, वो बेसिकली हम x को वेरिएबल मानते हैं तो मैं उसी में लिखता चला गया, ठीक है, जैसे हमने क्लास के अंदर पढ़ा था, इसको वापस लिख देता हूँ, तो k q q बटे डी स्क्वायर बराबर k q 4 q बटे x माइनस डी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये जो दूरी होगी ये d माइनस x नहीं होगी, ये कितनी होगी x माइनस डी होगी, ठीक है, चलो ये के क्यू क्यू कट गया फिर से, और ये x माइनस डी बाई डी किसके बराबर आया, 4 के बराबर आया, तो 2 के बराबर आया सॉरी, तो x माइनस डी जो है वो 2d के बराबर आया, x जो है वो 3d के बराबर आया, d हमें निकालना है वो x बाय 3 के बराबर आ गया है, अगर बाय 3 के बराबर आ गया है तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो गया है, कि कितना आवेश होना चाहिए, कितना आवेश होना चाहिए निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको किसी भी एक के ऊपर बल को है वो भी वापस से शून्य कर देना है, तो हम इस वाले के ऊपर कर देते हैं, इसके ऊपर हम बात करते हैं, इसकी वजह से कितना बल होगा, के क्यू क्यू बटे डी स्क्वायर बराबर उस वाले की वजह से के क्यू इंटू फोर क्यू बटे एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये हमें मिल गया है, यहाँ से कुछ कुछ जो कट रहा है उसको काट दो, तो क्यू बटे फोर क्यू, क्यू बटे फोर क्यू, क्यू बटे डी स्क्वायर, क्यू निकालना ना मैं तो फोर क्यू इंटू डी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, डी की वैल्यू वहाँ से रखता हूँ तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय नाइन बटे एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा, तो फोर क्यू बाय नाइन ये हमारे पास मान आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, माइनस आएगा ये आप जानते हो, माइनस होगा तभी साम्यावस्था में वो रहेगा, ठीक है, चलो आगे देखते हैं, प्लस फोर क्यू माइनस क्यू फोर क्यू, तीन आवेश एक सीधी रेखा में क्रमशः जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो, ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो, टू ए कॉमा जीरो कॉमा जिसके ऊपर रखे हैं, ये मानते हुए कि आवेश केवल एक्स अक्ष में गति कर सकता है तो के लिए स्वतंत्र है, तब क्या होगा, सभी आवेश स्थायी संतुलन में है, सभी आवेश अस्थायी संतुलन में है, केवल मध्य आवेश स्थायी संतुलन में है, केवल मध्य आवेश अस्थायी संतुलन में है, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास तीन आवेश रखे हैं, प्लस फोर क्यू, इधर भी प्लस फोर क्यू और बीच में माइनस क्यू, ठीक है भाई, जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो, ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो और टू ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो, मतलब ए ए दूरी पर ये रखे हैं, ये मानते हुए कि आवेश केवल एक्स अक्ष अनुदिश गति करता है, सभी आवेश स्थायी संतुलन में है, सभी अस्थायी संतुलन में है, ये तो हम कर चुके हैं ना अभी, तो सारे इसमें आवेश किस में आते हैं, सारे आवेश इसके अंदर अस्थायी संतुलन में ही आते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, दो समरूप आवेश एक बल F अनुभव करते हैं, यदि आधा आवेश एक से दूसरे को स्थानांतरित कर दिया जाए तथा पृथक्करण को आधा तक कम कर दिया जाए तो उनके मध्य नया बल क्या होगा, ठीक है, बोला है कि पहले जो बल था वो क्या था, K Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर, ठीक है, क्यों, क्योंकि दूरी कितनी थी R और कितना कितना चार्ज था इनके ऊपर Q और Q, अब क्या किया है आपने, एक का आधा चार्ज दूसरे को दे दिया है, एक का आधा चार्ज दूसरे को दे दिया है, तो यानी कि अगर इसके ऊपर q बाय टू हो गया है तो इसके ऊपर पहले से q था प्लस q बाय टू कितना हो जाएगा, थ्री q बाय टू हो जाएगा, और इनके बीच में दूरी कितनी कर दी गई है, इनके बीच में दूरी कर दी गई है वो कर दी गई है r बाय टू, आधी दूरी भी कितनी कर दी गई है r बाय टू, अब बताना है कि अब बल कितना होगा, बल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, के q बटे दो इंटू थ्री q बटे दो बटे आर स्क्वायर बाय फोर, यानी कि आर बाय टू का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा आर स्क्वायर बाय फोर, तो ये कट जाना है यहाँ से, आपको मिलेगा थ्री टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यानी कि जो पहले बल था उसका कितना हो गया है, तीन गुना हो गया है, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही हो जाएगा। आठ क्वेश्चन देखते हैं, चित्र में दर्शाए अनुसार आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर चार आवेश 90 डिग्री कोण पर रखे हुए हैं, वृत्त के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये हमको पता करना है, ठीक है, ऑप्शन दिए हैं आपको, वृत्त के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है, देखो भाई तीव्रता कैसे निकालोगे, आप क्या कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि अन चारों की वजह से निकालना है, तो इसकी वजह से इधर होगा कुछ विद्युत क्षेत्र, इसकी वजह से उल्टा बोला गया मैंने, हाँ इसकी वजह से इधर होगा, सही बोला, इसकी वजह से इधर होगा, इसकी वजह से इसकी खुद की तरफ होगा और इसकी वजह से भी ऊपर की तरफ ही होगा, ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र के हमें डायरेक्शन मिल गए, हमें सब इनके मान पता करने हैं, तो इसको अगर मैं मान लूँ कि ये निकालना है, ये विद्युत क्षेत्र कितना होगा, इसकी वजह से होगा तो के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है, तो बनाते जाते हैं हम, एक विद्युत क्षेत्र हमें इस तरफ मिला कितना, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, और इसकी वजह से इधर मिलेगा कितना, थ्री के क्यू बाई आर स्क्वायर, अच्छा ठीक है, इसकी वजह से कितना मिलेगा हमें ऊपर की तरफ,
टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, और ऊपर वाले की वजह से भी उधर ही मिलेगा, कितना मिलेगा समान, प्लस कर दो 2KQ बाय आर स्क्वायर। तो मुझे क्या मिल गया, बल कितना मिल गया, कुल कितना हो गया, इधर बचा कितना, तीन में से एक गया तो 2KQ बाय आर स्क्वायर, और ऊपर कितना मिला मुझे 4KQ बाय आर स्क्वायर। आपको निकालना है कितना बचेगा, कितना बल आएगा कुल, तो कुल बल कुछ इस तरफ आएगा, यहां पर आएगा, अगर यहां पर आने वाला है तो कितना आने वाला है, रूट 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और बाहर मिल जाएगा मुझे कितना, k क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, कितना मिलने वाला है, k क्यू बाय आर स्क्वायर बाहर चल रहा है, और ये कितना मिलेगा 16 प्लस 4 20, रूट 20। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, रूट 20 KQ बाय आर स्क्वायर, जिसको आप 2√5 KQ बाय आर स्क्वायर के बराबर भी लिख सकते हो। ठीक है, ये तो हमें मान मिल गया इसका, तो ऑप्शन में देख लो तो 2√5 KQ बाय आर स्क्वायर ए ऑप्शन में आ रहा है, 2√5 इसमें भी आ रहा है, इसमें तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ए और बी ऑप्शन अभी सही हो सकते हैं। तो हमें देखना है कि हमें अब दूसरी चीज दी है, वो एंगल दिया है कि टैन इनवर्स ट्यू कोण बना रहा है, टैन इनवर्स कोण बनाता है धनात्मक अक्ष के साथ और या ऋणात्मक अक्ष के साथ। तो आप देख सकते हो कि ये ऋणात्मक अक्ष के साथ कोण बना रहा है टैन इनवर्स 2 का, उसको हम निकाल भी सकते हैं, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये निकालने का तरीका क्या है, ये अगर इसको थीटा मानते हो आप तो टेन थीटा किसके बराबर होगा, टेन थीटा किसके बराबर होगा, y अपन x, तो ये y और ये x, तो y 4/2 बचेगा, तो 2 आ जाएगा टेन इनवर्स 2, लेकिन किसके साथ, ऋणात्मक अक्ष के साथ ये बना रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, समान द्रव्यमान के दो धात्विक गोले हल्की अचालक रस्सी द्वारा एक बिंदु से लटके हैं, प्रत्येक रस्सी की लंबाई समान है, एक गोले का प्लस क्यू विद्युत आवेश एवं दूसरे का प्लस 3Q दिया जाता है, निम्न उनमें से कौन सा चित्र गोलों की परिणामी स्थिति को सही रूप से दर्शाता है, इनमें से कौन सा चित्र ऐसा है जो इनकी परिणामी स्थिति को दर्शाता है, दोनों का द्रव्यमान बराबर है और दोनों के ऊपर जो हमें आवेश दिया है, एक को प्लस क्यू दिया है, एक को माइनस क्यू दिया है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्थिति ऐसी है जो कि इनकी अब हो जाएगी, क्योंकि उनके ऊपर बल लगेगा, कौन सा उनमें से कौन कौन से बल लग रहे हैं इसके ऊपर, एक तो विद्युत बल लग रहा है, स्थिर विद्युत बल लग रहा है जो कि इनको ऐसे दूर दूर ले जा रहा है, ठीक है, और दूसरा बल कौन सा लग रहा है इसके ऊपर, मास लग रहा है इनका, वजन लग रहा है इनका, नीचे वेट लग रहा है, वेट भी इनकी नीचे लग रहा है, और एक टेंशन लग रही है रस्सी के कारण से। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसमें सिर्फ देखने वाली बात यह है कि जो ये हैं गोले, इनके ऊपर विद्युत बल कितना कितना लग रहा है, क्योंकि विद्युत बल इनको इधर लेके जाएगा, अगर ये 1 और 2 मान लूं मैं, तो 1 और 2 के बीच में जो विद्युत बल होगा, जो 1 2 पे लगाएगा और जो 2 1 पे लगाएगा, वो कितना होगा, वो होगा KQ1Q2 बाय आर स्क्वायर, तो दोनों के ऊपर ही बराबर बल लगने वाला है, दोनों के बराबर लगने वाला है, तो दोनों ही बराबर दूरी पे जाएंगे। ठीक है, अगर समान द्रव्यमान है तो, क्योंकि समान द्रव्यमान दे रखा है हमें, ये दोनों बराबर दूरी पर जाएंगे, तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगर असमान द्रव्यमान होता तो इनके जो झुकाव होता उसके अंदर फर्क आता, वो कैसे कैसे फर्क आता है वो हम देखेंगे। नीचे दिए गए चित्र में 3 आवेशित कणों द्वारा एक दूसरे पर आरोपित बल दर्शाए गए हैं, निम्न में से कौन सी दर्शाई स्थिति हो सकती है, नीचे गए चित्र में 3 आवेशित कणों द्वारा एक दूसरे पर आरोपित बल दर्शाए गए हैं, कि 3 हमारे पास आवेशित कण हैं और इनमें से कौन सी स्थिति हो सकती है उन कणों में। ठीक है, आप देख सकते हो कौन कौन सी स्थिति हो सकती है। पहली स्थिति में आप देखोगे तो हम कह सकते हैं कि ये और ये आपस में आकर्षण दिखा रहे हैं, अगर ये आकर्षण दिखा रहे हैं एक दूसरे को, अगर ये आकर्षण दिखा रहे हैं तो ये, अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस होगा। ठीक है, अगर ये प्लस है तो ये प्लस होगा। इसकी बात करते हैं तो ये भी अगर आकर्षण दिखा रहे हैं, ये प्रतिकर्षण दिखा रहे हैं, अगर ये प्रतिकर्षण दिखा रहे हैं तो इसको माइनस होना पड़ेगा, अगर इसको माइनस होना पड़ेगा तो ये दोनों हैं इनके बीच में आकर्षण होना चाहिए, क्योंकि ये प्लस है ये भी प्लस है, लेकिन इसमें दिखा रहा है कि इनके बीच में प्रतिकर्षण है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं कि अगर इन दोनों को देखते हैं तो इन दोनों के बीच में आपस में प्रतिकर्षण बल है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, अगर ये पॉजिटिव है तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव ये आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षण दिखा रहे हैं, तो सब में प्रतिकर्षण ही दिख रहा है, तो ये सही हो सकता है, तो सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरी की बात करते हैं कि ये दोनों आपस में आकर्षण दिखा रहे हैं, तो अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, और ये प्रतिकर्षण दिखा रहे हैं तो ये माइनस है तो ये माइनस होगा, इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए था, इन दोनों के बीच में होना चाहिए था आकर्षण होना चाहिए था, जो कि दिखा भी रखा है। अब बात करते हैं इनकी प्रतिकर्षण की, तो तीसरा जो है वो भी, तीसरा भी हमारा सही हो सकता है। चौथे की अगर बात करते हैं हम, तो चौथे में
इन दोनों की बात करते हैं कि इन दोनों बीच में आकर्षण है, तो अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, अगर ये माइनस है तो क्योंकि इनके बीच में आकर्षण तो ये प्लस होगा, अगर ये प्लस है तो इन दोनों के बीच में जो होना चाहिए था वो प्रतिकर्षण होना चाहिए था, लेकिन दिखा इसने आकर्षण रखा है इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो हमारा दूसरा और तीसरा सही होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिखा रखा है। तो ये हमने किया आज होमवर्क नंबर वन और होमवर्क नंबर टू। ठीक है, इसी तरह हम आगे और होमवर्क्स करते रहेंगे, मैं आपको होमवर्क देता रहूँगा, आप ट्राई करें ट्राई करके सॉल्व करने की और फिर इस वीडियो को देखकर आगे अपना काम बढ़ाएं। अगर जो क्वेश्चन आपसे नहीं आए हैं वो क्वेश्चन इसमें हल करने का आप प्रयास करें। ठीक है, चलो आज हम यहीं पे खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।